हाय, लेट्स मेक कैरमलाइज्ड अनियन सैंडविच। आज के कैरमलाइज्ड अनियन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन। पैन में डालेंगे एक चम्मच बटर। बटर मैंने यहाँ पे थोड़ा कम लिया है, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ले लेंगे एक मीडियम साइज के प्याज को पतले पतले लंबे लंबे चॉप करके। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट फ्राई करना है इसको, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाने तक। ब्राउन भी नहीं करना, हल्का सा गोल्डन कलर। और बाकी तो आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे किस तरीके से उसका कलर चेंज होगा बनाते समय। आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम मैंने लो करके इसे कुक करा है, प्याज हमारा हल्का हल्का सॉफ्ट होता जा रहा है। डाल देंगे यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार, डालेंगे एक छोटे चम्मच चीनी। जी हाँ, आज के कैरमलाइज्ड अनियन बनाने के लिए तो हमें चीनी की ज़रूरत पड़ेगी ही। और गैस का फ्लेम लो करके इसे हम कुक करते जाएंगे जब तक कि कुछ इस तरीके से कलर ना आ जाए और पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा इसको हमें फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का कैरमलाइज करना है, सॉफ्ट करना है। और ले लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे सोया सॉस, बस हल्का कलर चेंज होने के लिए हमने यहाँ पे सोया सॉस लिया, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और देखिए हमारा कैरमलाइज्ड अनियन बनके तैयार हो गया, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और हमें चाहिए यहाँ पे दो बॉईल किए हुए आलू। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश कर लेने के बाद डाल देंगे यहाँ पे कैरमलाइज किया हुआ अनियन और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख ही सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा सामान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। हमारे घर में जो चीज़ें रखी रहती है हमेशा से, वही चीज़ों से ही हमारा आज का सैंडविच बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इतना कि आपका पेट पूरे दिन भरा भरा रहेगा, पूरे दिन तो नहीं बट हाँ आपका पेट भरा रहेगा आप एक बारी में खाएंगे तो। बहुत ज़्यादा जल्दी आपको दूसरे स्नैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया था। और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ले लेंगे ब्रेड और ब्रेड में अच्छे से इसको फिलिंग कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा लोडेड हमारा बनके तैयार होगा आज का ये सैंडविच। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आया था, जैसे कि मैंने आपको कहा आज की जो रेसिपी है कैरमलाइज अनियन सैंडविच है। तो कैरमलाइज सुनते ही ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही बन जाएगा, बट ट्रस्ट मी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। देखने में लग रहा है पता नहीं क्या ही है, सिर्फ आलू और प्याज ही तो है, बट नहीं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ मिल जाएगी मेरे चैनल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी और हेल्दी होती है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने अमूल चीज़ लिया है, आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्लाइस करके लिए है। चीज़ आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, चाहे आप मोज़रेला चीज़ लेना चाहते हो या फिर स्लाइस चीज़ लेना चाहते हो, कुछ भी। अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा बटर डाल के, दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक करना है। ये वाला पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसे रोस्ट नहीं करना है तो आप इसके बिना भी इसको इस तरीके से खा सकते हैं सैंडविच को, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक मैंने इसे पूरी तरीके से कुक कर लिया है। और पलटते समय थोड़ा सा ये निकल गया था, खाना बनाते समय मिस्टेक होती रहती है। अगर आपसे भी कभी इस तरीके से सिली मिस्टेक्स हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुंदर बनके हमारा तैयार हो चुका है आज का सैंडविच। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ।